Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAG TV. TAG TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe. कनाडा लॉकडाउन के बाद मईशत की बहाली पर 19 अरब डॉलर खर्च करेगा। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो कहते हैं नकद रकम आने वाले 6 से 8 माह के दौरान गैर मामूली खर्चात को पूरा करने के लिए हैं। कनाडा भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,827 तक जा पहुंची है। मॉन्ट्रियल म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स ने डायरेक्टर और चीफ क्यूरेटर के साथ मुहाइदे को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। मुहाइदे के खात्मे की वजह बोर्ड और चीफ क्यूरेटर के माबैन तनाव और मुलाजमीन की शिकायत बनी। मौतल RCMP अफसर पर जिंसी ज्यादती का इल्ज़ाम आई, ओटावा पुलिस ने तफसील जारी कर दी। वबाई अमराज से दो चार कैनेडियंस कोरोना वायरस के नए केसों में नुमाया कमी वाक़ होने के बावजूद अब भी मोहतात, सर्वे सामने आ गया। अमरीकी सदर ने चीन पर सख्त पाबंदियों की मंजूरी दे दी। चीन पर पाबंदी हांगकांग के हवाले से नए कानून पर लगाई गई। बिल गेट्स, ओबामा और नामवर अमरीकी अदाकार और सियासतदानों के ट्विटर अकाउंट्स हैक। ट्विटर इंतजामिया ने हैकर की ट्वीट्स को हटाने का अमल शुरू कर दिया है। तुर्क सिक्योरिटी फोर्स का तैयारा पहाड़ से टकरा गया, 7 अहलकार जहां बहक। तैयारे में नेशनल पुलिस के 2 पायलट्स और 5 अहलकार मौजूद थे। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें तफसील के साथ। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कोरोना वायरस की वबाई मर्ज के बायस कई माह से जारी लॉकडाउन के बाद वफाकी हुकूमत 13 सूबों और इलाकों को मईशत की बहाली के लिए 19 अरब डॉलर अखराजात की अदायगी में खर्च करेगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कोरोना वायरस के वबाई मर्ज के बायस कई माह से जारी लॉकडाउन के बाद वफाकी हुकूमत 13 सूबों और इलाकों को मईशत की बहाली के लिए 19 अरब डॉलर अखराजात की अदायगी में खर्च करेगी। कैनेडियन ज़राए बलाग़-ए-आमा के मुताबिक वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि नकद रकम आने वाले 6 से 8 माह के दौरान गैर मामूली अखराजात को पूरा करने के लिए है, जो हकीकत में कैनेडा के लिए अहम है, जिसमें मुमकिन तौर पर वायरस की दूसरी लहर की तैयारी भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक किए गए उन इकदाम से नुकसान का अंदाजा लगाना, कारकुनों को हिफाजती सामान की फरामी, जद्दोजहद करने वाली म्यूनसिपलिटियों को ऑपरेट करने के अखराजात अदा करने में मदद, मुकामी ट्रांजिट ऑपरेटर्स की मदद, रोजमर्रा की देखभाल के लिए महफूज जगहों का क्याम और बूढ़ों की तवील मुद्दती निगहदाश्त में बेहतरी शामिल है। कनाडा भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,827 तक जा पहुंची है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी का सिलसिला जारी है। आखिरी इतलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,09,264 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,827 तक जा पहुंची है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है, तहम वहां अब कोरोना वायरस के केसेस में कमी आने लगी है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 57,001 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 5,646 तक पहुंच चुकी है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस से 37,163 अफराद मुतासर हुए हैं, जबकि हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,737 है। अल्बर्टा में 9,114 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि 165 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 3,170 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 189 है। मॉन्ट्रियल म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स ने डायरेक्टर और चीफ क्यूरेटर के साथ मुहाइदे को ख़त्म करने का ऐलान करते हुए कहा है कि आज़ाद फर्म के साथ मुकम्मल तआवुन यकीनी बनाया जाएगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स का कहना है कि वो इस बात की जांच में एक आज़ाद फर्म के साथ मुकम्मल तौर पर तआवुन करेगी, जो अपने डायरेक्टर और चीफ क्यूरेटर को निकालने के बाद उसका इंतजाम कैसे करती है। म्यूजियम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रवा हफ्ते के आगाज में ऐलान किया था कि वो डायरेक्टर और चीफ क्यूरेटर के साथ अपने मुहाइदे को ख़त्म कर रहे हैं, जिस पर कुछ मुलाजमीन ने जहरीले माहौल में काम करने की शिकायत भी की थी। क्यूबेक के वजीर सकाफत ने म्यूजियम का निज़ाम संभालने के लिए एक आज़ाद फर्म को हुक्म भी दे दिया।
किया है, जिसके बाद MMFA के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के चेयरमैन ने एक बयान में कहा कि म्यूजियम इस फर्म के साथ मुकम्मल तआवुन करेगा, तहम हम इस बात पर कायल हैं कि मुहाइदे को ख़त्म करने का फैसला सही था। मुहाइदे के खात्मे की वजह बोर्ड और चीफ क्यूरेटर के माबैन तनाव और मुलाजमीन की शिकायत बनी है। पुलिस ने ब्रिटिश कोलंबिया से ताल्लुक रखने वाले एक मुअत्तल RCMP अफसर पर 34 मरतबा वायवायरिज्म और जिनसी ज्यादती की 3 गिनतियों का इल्जाम आयद किया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पुलिस ने ब्रिटिश कोलंबिया से ताल्लुक रखने वाले एक मुअत्तल RCMP अफसर पर 34 मरतबा और जिनसी ज्यादती की 3 गिनतियों का इल्जाम आयद किया है। इल्ज़ाम है कि इस शहर में 7 साल के अरसे में ये जराइम रोनुमा हुए हैं। BC के रेजिमेंट के 35 साल एंड्रियो सांगियो पर इल्ज़ाम आयद किया गया था। पुलिस ने बताया कि सांगियो ओटावा में मुकीम था, जब ये मुबैना वाकयात 2011 से 2018 के दरमियान रोनुमा हुए थे। ओटावा पुलिस ने कहा कि मुबैना तौर पर मुतासर अफराद 6 बालिग खवातीन हैं। ओटावा पुलिस ने बताया कि सांगिनियो ने वैनकूवर में पुलिस के पास खुद को पेश किया। ओटावा पुलिस ने कहा कि जनवरी 2020 में वैनकूवर पुलिस डिपार्टमेंट से राब्ता करने के बाद जिनसी ज्यादती और बच्चों से बदसलूकी के तफ्तीशकार इस मामले में शामिल हो गए हैं। वैनकूवर की तहकीकात के सिलसिले में मार्च 2020 में सयांगिनियों पर बरतानवी कोलंबिया में इल्जाम आयद किया गया था। ओटावा पुलिस ने कहा कि उन्हें यकीन है कि और भी मुतासरीन हो सकते हैं और वो किसी भी ऐसी खवातीन से पूछ रहे हैं जो अक्टूबर 2015 से अक्टूबर 2017 के दरमियान सयांगिनियों के जनूबी ओटावा की रिहायशगाह में मौजूद थी। वबाई अमराज से 2-4 कैनेडियंस कोरोना वायरस के नए केसों में नुमाया कमी वाकई होने के बावजूद अब भी मौतात हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। एक सर्वे में कहा गया है कि वबाई अमराज से 2-4 कैनेडियंस स्कूलों से लेकर दूसरे लॉकडाउन तक हर चीज से मोहतात हैं। सर्वे में बताया गया है कि 59% कैनेडियंस अब भी खौफजदा हैं। कोविड-19 की बात की जाए तो ज्यादातर कैनेडियंस अब भी हद से ज्यादा मोहतात रहते हैं, और अगर मुल्क में कोरोना केसेज में एक मरतबा फिर इजाफा होता है तो वो लाजमी मास्क कवानीन के हक में है। सर्वे में ये बात भी सामने आई है कि रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका में वायरस के खात्मे के बगैर सरहदों के पार हुकूमतों ने पाबंदियों में ढील दे दी है। कनाडा में कोरोना वायरस के नए केसों में नुमाया कमी वाकई हुई है, जिसके बाद SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए दोबारा खोल दिए गए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ मजीद सख्त पाबंदियों की मंजूरी के कानून पर दस्तखत कर दिए हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक अमरीका और चीन के दरमियान तनाव में मजीद इजाफा हो गया है और हरीफ ममालिक एक दूसरे पर पाबंदियां लगाने में सबकत ले जाने में मशगूल है, जिसकी ताज़ा मिसाल सदर ट्रंप की जानब से चीन पर मजीद सख्त पाबंदियां आयद करने की मंजूरी देना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकॉन्ग की खुद मुख्तारी से मुतालिक तनाजे पर चीन के खिलाफ पाबंदियाँ सख्त करने का फैसला किया और इस हवाले से कानूनी दस्तावेज पर दस्तखत करके सख्त पाबंदियों की मंजूरी दे दी है। इस कानून की मंजूरी के बाद हांगकॉन्ग में जबरी कार्रवाई में मुलव्वस चीनी हुकाम की अमरीका में अमलाक मुंजमद और अमरीका में दाखिले पर पाबंदी होगी। सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि इस पाबंदी से चीन को हांगकॉन्ग में आवाम के खिलाफ जाबिराना इकदाम के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा, आज़ादी इजहार राय को मुमकिन बनाना होगा और साथ साथ हांगकॉन्ग के साथ तरजीही इकतसादी सलूक का खात्मा भी मुमकिन हो सकेगा। वाज़ेह रहे कि चीन में एक कानून की मंजूरी के बाद से पुलिस को हांगकॉन्ग की खुद मुख्तारी के हामियों की जबरी गिरफ्तारी और मुजाहरीन को ताकत से कुचलने के इख्तियार भी मिल गए हैं। ये मुजाहरे गुज़िश्ता बरस से जारी थे। हैकर ने समाजी राबते की साइट ट्विटर पर बिल गेट्स, ओबामा, जो बाइडन और एलॉन मस्क समेत निजी कंपनी के अकाउंट्स को हैक करके अवाम के लाखों डॉलर्स लूट लिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ट्विटर पर उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब अमेरिका के नामवर सियासतदानों, अरबपति अदाकारों और टेक्नोलॉजी के बड़े नामों के ट्विटर अकाउंट हैक कर लिए गए। हैकर्स ने बिल गेट्स, एलन मस्क, चीफ बेरोस, जो बाइडन और साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा समेत एप्पल के अकाउंट को हैक किया और बिटकॉइन के जरिए रकम कमाई। हैकर ने उन तमाम लोगों के ट्विटर अकाउंट से ये पैगाम दिया कि जो मुझे बिटकॉइन एड्रेस पर रकम भेजेगा मैं उसको दुगना करके वापस दूंगा। हैकर ने बिटकॉइन एड्रेस क्रिप्टो फॉर लाइफ नामी अकाउंट के जरिए रकम की डिमांड की थी और जितनी देर यह अकाउंट ऑनलाइन रहा उस पर $1,00,000 से ज्यादा रकम मुंतकिल कर दी गई थी। दिलचस्प बात यह है कि यह अकाउंट ट्विटर पर रजिस्टर्ड था और उसके करोड़ों फॉलोअर्स थे। ट्विटर पर हैकर के इस हमले के बाद ट्विटर इंतजामिया हरकत में आ गया, हैकर की ट्वीट्स को हटाने का अमल शुरू कर दिया गया। ट्विटर इंतजामिया के मुताबिक अकाउंट मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया गया और इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक यह हमला किसी भी एक शख्स की तरफ से किया गया था। वाज़ेह रहे कि मौजूदा वाकया इस लिहाज से मुनफरिद है कि उसमें बड़ी तादाद में मारूफ अफराद और कंपनियों के अकाउंट्स को एक साथ और बड़े पैमाने पर हैक किया गया है।
जेट तैयारा अहम मिशन से वापसी पर पहाड़ से टकराकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में तैयारे में मौजूद तमाम एहलकार जान बहक हो गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। तुर्क मीडिया के मुताबिक नेशनल पुलिस का जेट तैयारा मशरकी सूबे वॉन में एक अहम मिशन से वापसी पर पहाड़ी इलाके में एक चोटी से टकरा कर तबाह हो गया। तैयारे में आग बड़क उठी, हादसे में दो पायलट समेत सात अहलकार लुकमय अजल बन गए। वजीर दाखिला सुलेमान सोलो ने मीडिया को बताया कि तैयारे ने वॉन हाहाकारी सूबों की निगरानी और मुआयने के मिशन से वापसी पर वॉन फेरेट एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ ही देर बाद कंट्रोल टावर से राब्ता मुनकता हो गया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान मलबा पहाड़ी के इलाके से मिल गया। वजीर दाखिला ने मजीद बताया कि छोटा जेट तैयारा जमीन से तकरीबन 2200 फीट की बुलंदी पर पहाड़ से टकराया था। ये 2015 के मॉडल का तैयारा था और नेशनल पुलिस के जेर इस्तेमाल था। हालांकि होने वाले पायलट्स और अहलकार भी नेशनल पुलिस से मुंसलिक थे, जहां बहक अहलकारों की शनाख्त जाहिर नहीं की गई है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। डेली कैनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैग टीवी। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.